माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जीएस, और जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो ये हमारी सीरीज की जो कि 73 नंबर की वीडियो है, इससे पहले की 72 वीडियो ऑलरेडी जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है। और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, जिसमें कि जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 200 मार्क का होता है, और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और एप्टीट्यूड, इन सभी सब्जेक्टों में की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर 72 में पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही आगे वाली आने वाली वीडियो कंटिन्यू में बन भी रही हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी, और हियर इज माई इंस्टा ID। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको सारे नोट्स PDF अवेलेबल हैं, साथ ही ई बुक भी अवेलेबल है उस ग्रुप में। तो सब इंजीनियर नोट्स ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ ही उसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। वो भी कैसे, तो यूज करना है ENG50 कोड, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और साथ ही आप सब इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि आपको इसमें अवेलेबल है। तो साथ ही 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलेगी 499 रुपीज़ में, तो 20 जो कि 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो भारत की चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, उनका वर्गीकरण। तो आर्किक क्रम की चट्टानें होती हैं, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद कुडम्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध क्रम की चट्टानें, उसके बाद गोडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। तो आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, उसके बाद दक्कन ट्रैप, उसके बाद जो कि टर्शियल क्रम की चट्टानें होती हैं। तो इस तरह से 7 जो चट्टानें होती हैं भारत में, उनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मैप में। तो सबसे पहले दक्कन ट्रैप। तो जो दक्कन ट्रैप होता है, दक्कन की चट्टानें जो मैप में इस तरह से यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र रीजन की तरफ दिखती हैं। उसके बाद धारवाड़ की चट्टानें जो कि इस तरह से 2 पॉइंटों पर दिखती हैं। उसके बाद हम गोंडवाना की चट्टानें की बात करें, तो गोंडवाना की चट्टानें जो कि भारत के नक्शे पे इधर उड़ीसा के साइड में, झारखंड के साइड में और बिहार के साइड में गोंडवाना की चट्टानें दिखती हैं। उसके बाद विंध की चट्टानें, तो विंध की चट्टानें यूपी और MP में फैली हुई दिखती हैं। इस तरह से कुडप्पा की चट्टानें जो राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में दिखती हैं। तो इस तरह से कुडप्पा धारवाड़ विंध और दक्कन और गोंडवाना की चट्टानें दिखती हैं। उसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, तो पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो जब पृथ्वी ठंडे हुई थी, तो सबसे पहले इन्हीं क्रम का निर्माण हुआ था। रूपांतरण के फलस्वरूप अपना मौलिक रूप खो चुकी हैं। तो ये रूपांतरण के बाद अपना मौलिक रूप जो एक्चुअल फॉर्मेशन होता है उसको खो चुकी हैं। उसके बाद जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें, उस मतलब फोसाइल फ्लूइड नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अगली चट्टान आती है धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ की चट्टान क्या होती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण द्वारा जीवाश्म का अभाव होता है। उसके बाद अरावली पर्वत के निर्माण में इन्हीं चट्टानों से, इनके नाम से कर्नाटक के धारवाड़ जिले के फलस्वरूप होती हैं। आर्कियन दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लोहा, सोना और मैंगनीज आदि हैं। तो आर्कियन दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लोहा, सोना और सबसे महत्वपूर्ण जो कि ये धारवाड़ की चट्टानें होती हैं। उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया था। जो धारवाड़ की चट्टान क्रम की चट्टानों में से अपरदन का मतलब इरोजन, और निक्षेपण मतलब तली में बैठ जाना। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, और भाषा के आधार पर बनने वाला ये प्रथम राज्य था। तो उस जिले में, कुडप्पा जिले में, तो आंध्र प्रदेश में इस समय अगर करंट की बात करें, तो पहले जो कि 13 जिले थे, और वर्तमान समय में 13 और जिले बने हैं। तो इस समय 26 जिले हैं जो कि करंट का टॉपिक भी है। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया। और जीवाश्म का अभाव है इसमें चट्टानों में। उसके बाद इसका विस्तार जो कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में मिलता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ मिनरल्स पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर, संगमरमर, एवेस्टेटस आदि प्राप्त होते हैं।
विंध्या क्रम की चट्टाने, तो विंध्या क्रम के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और छिछले सागर या नदी घाटियों में जल निक्षेपण द्वारा इसका निर्माण होता है। मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा इसी संरचना के अंतर्गत, जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों के पत्थर चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। चीनी पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट आदि इसी में पाए जाते हैं। चांदी का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद यहाँ से प्राप्त पत्थरों से बने होते हैं। गोंडवाना की चट्टाने, तो गोंडवाना की चट्टाने क्या होती है, तो उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में होती है। इसी क्रम की चट्टानों का निर्माण कोबर्निफेरस और जुरैसिक युग के बीच में हुआ है। कार्बोनिफेरस काल के प्रायद्वीपी भारत में कई दरारों के निर्माण के फलस्वरूप चीन की भूमि बीच भूमि धंस जाती है तथा वनस्पतियों के दबने के कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना की जो चट्टाने होती हैं उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन चट्टानों का निर्माण जो कि कार्बोनिफेरस के जुरैसिक युग के बीच में हुआ था, तो कार्बोनिफेरस के जुरैसिक युग में इस चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपी चट्टानों के कई दरारों के फलस्वरूप धंस जाती हैं और इसमें 98% कोयले इन्हीं संरचना से दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। तो 98% कोयला जो कि गोंडवाना की खानों से पाया जाता है और जो कि दामोदर नदी जो कि वेस्ट बंगाल का सोख कहते हैं। उसके बाद सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से जाके और बिहार में दानापुर जगह पे गंगा में मिल जाती है, तो जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है और इस पर हीराकुंड डैम है। उसके बाद गोदावरी जो बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, और इन नदियों की घाटियों में गोंडवाना की चट्टाने पाई जाती हैं। उसके बाद डक्कन ट्रैप, तो डक्कन ट्रैप क्या होता है, तो डक्कन ट्रैप जो कि क्रेटेशियन काल में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा के उद्गार के रूप में